इंडक्शन। सी एक कॉइल मैंने लिया और इसको थोड़ा 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 नज़दीक लेके आते हैं दूसरे कॉइल के पास। म्यूचुअल इंडक्शन होने की वजह से ये अपनी करंट को, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने की वजह से करंट बढ़ जाती है और हम बल्ब में ज़्यादा ग्लोनेस पाते हैं। और जैसे जैसे उसको दूर लेके जाते हैं व्हाट विल हैपन, उसकी ग्लोनेस ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती जाती है। और ज़्यादा दूर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ख़त्म हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, जस्ट आप देख सकते हैं अभी देख सकते हैं कितनी कम एनर्जी इसमें बल्ब के अंदर है अभी, क्योंकि कॉइल बहुत ज़्यादा दूर है। कॉइल को थोड़ा 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 नज़दीक लेके आओ, जैसे जैसे कॉइल को नज़दीक लेके आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका ब्राइटनेस लगातार बढ़ता जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड इंडक्शन, या आप बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। कैसे होता है एक्चुअली, ये है म्यूचुअल इंडक्शन का एग्जाम्पल। और आप इसका सर्क्यूट डायग्राम देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है।